बहुत ही तगड़ा और नया स्मार्ट डायना लेके आई है हमारे किसान साथियों के लिए। इस बार मैसी ने बहुत ही पूरी तरीके से दम लगा दिया है और इस ट्रैक्टर का लुक, और ये रहा अपना पुराना ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर का लुक पहले से कई ज्यादा गुना बड़ा। यहाँ पे पहले जो लुक आता था वो चौकर टाइप का लुक आता था, और ये जो नए ट्रैक्टर में थोड़ा सा एरोडायनामिक शेप यहाँ पे दिया है कुछ, लेकिन अब ये मॉडर्न जमाने में यहाँ पे मॉडर्न तरीके का यहाँ पे ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है। ये 3 सिलेंडर इंजन आपको शेर जैसी ताकत देगा। इम्प्लीमेंट अगर चलाते हो तो ये ट्रैक्टर रुकता नहीं ना थकता है, शेर जैसा भागता रहे। 750 घंटे चलता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम आता है। क्योंकि कंपनी ने ये ट्रैक्टर फिर से रिलॉन्च क्यों किया, वही ट्रैक्टर वही पुराना इंजन फिर से रिलॉन्च करने की ज़रूरत क्या? ये छोटे से चाबी में ये पूरा स्मार्ट फीचर है जो डायनाट्रैक सीरीज का पेटेंट है, जो आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे 4 मल्टीपल ऑप्शन में मिल जाएगा। सुपर शटल गियर, मतलब इसका मतलब समझे किसान भाइयों? नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आज हम पन आए हैं मैसी फर्गुसन के शोरूम में औरंगाबाद यहाँ पर, और आज हम आपको बहुत ही गजब की एक चीज़ दिखाने वाली है। ये देखिए स्मार्ट, ये डायनाट्रैक 246। आपको क्या लगता है, आप हम आपको ये पुरानी चीज़ दिखाने वाले? नहीं। हमारे पास इससे भी, ये तो मैसी फर्गुसन का बहुत ही तगड़ा शेयर था। ये पहले ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही तहलका मचा चुका है, इसका सेल्स भी बहुत ही टॉप पर था। कंपनी का हर बार कुछ किसानों के लिए नया इनोवेशन करने का हमेशा सी ख्वाहिश रहती है, और किसानों को कुछ नया देने का कंपनी का हमेशा से इंटेंशन रहता है। इसीलिए कंपनी इस बार ये बहुत ही तगड़ा और नया स्मार्ट डायना लेके आई है हमारे किसान साथियों के लिए। देखिए, और ये किसान जो इसका इंजन है वो भी बहुत ही तगड़ा और शेर जैसी ताकत लगाने वाला बहुत ही है। इस बार मैसी ने बहुत ही पूरी तरीके से दम लगा दिया है, और मैसी फर्गुसन 246 डायना स्मार्ट। इससे पहले ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री मार्केट में पहले से अवेलेबल था, लेकिन वो थोड़ा पुराने टाइप के डिज़ाइन के साथ आता था। आप देख सकते हैं, ये रहा अपना पुराना मैसी फर्गुसन 246 डायनाट्रैक। कंपनी ने हाल ही में जो ये स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर अभी लॉन्च किया है, कौन कौन से नवीन बदलाव के साथ इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले। आप बाहर से ही देख सकते हैं कि इसका जो लुक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। मज़ा आया। पहले वाला जो लुक था वो थोड़ा चौकर टाइप का था, और उसका जो एयर क्लीनर था वो थोड़ा बोनट के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था, इसलिए बहुत से किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत आती थी जब हम कभी ट्रैक्टर को बगीचे में यूज करते थे और टर्न करते समय दिक्कत देता था, आगे थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो कंपनी ने यहाँ पे उस खास फीचर का ध्यान रखते हुए उस एयर क्लीनर को बोनट के अंदर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। हम और जो पहले का जो पुराना ट्रैक्टर था तो उसमें अपने को बोनट ऊपर उठाने के लिए दोनों तरफ से स्विच दिया हुआ रहता था। उसके लिए क्या होता था, थोड़ा सा ट्रैक्टर को ड्राइवर को थोड़ी सी परेशानी होती थी बोनट उठाने में, और उठाते समय थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ता था ड्राइवर को। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है इसका बोनट उठाने के लिए ड्राइवर को जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्विच ऐसा खींचने का, और खींचने के बाद वो धीरे से अपने आप वो उड़ जाता है। तो आप बात करेंगे बोनट के अंदर क्या क्या यहाँ पे कंपनी ने कैसा बदलाव किया है। तो ख़ास बात दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इसका रहा एयर क्लीनर। पहले पुराने ट्रैक्टर में ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर आता था, अब ये मॉडर्न ज़माने में यहाँ पे मॉडर्न तरीके का यहाँ पे ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसका वाटर कूल्ड टैंक, उसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे बैटरी की फिटिंग की गई है। पुराने 246 में भी इसी तरह का डिज़ाइन किया गया था, बैटरी आगे की तरफ ही डिज़ाइन की गई थी। और ये जो बोनट है ये आप देख सकते हो, उसके जो हेडलाइट है यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइप की यहाँ पे हेडलाइट कंपनी ने दिए गए हैं। और ख़ास बात जो है तो इस बोनट को उठाने के लिए यहाँ पे डबल सिलेंडर का भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अगर हम इसके टैंक की बात करें तो इसकी टैंक कैपेसिटी हमको जो पुराने ट्रैक्टर में आती थी वही टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेंगी, 60 लीटर की यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी है।
और दोस्तों अगर हम इसके धधकते दिल की अगर बात करें यानी कि इसका इंजन, तो बहुत ही तगड़ा शेर जैसा पावरफुल इंजन यहाँ पे कंपनी ने वही इंजन दिया है जिसके लाखों किसान भाइयों आज भी दीवाने हैं। उसमें कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, वही पुराना इंजन आपको देखने को मिलेगा। जे सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये 3 सिलेंडर इंजन आपको शेर जैसी ताकत देगा। और ये जो अपने को इसका फ्यूल पंप है, ये वही आपको बॉश कंपनी का फ्यूल पंप देखने को मिलेगा। हमको टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा और इसका माइलेज भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका इंजन इतना पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पे कंपनी ने दिया है। आप इसके इस ट्रैक्टर को कोई भी इम्प्लीमेंट अगर चलाते हो तो ये ट्रैक्टर रुकता नहीं ना थकता है, शेर जैसा भागता रहता है। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों हमने देख लिया ये पूरा, इसकी इंजन की जानकारी हमने ली। अब ये आप देखेंगे तो ये रहा इसका डीजल फिल्टर। पहले पुराने ट्रैक्टर में वही डीजल फिल्टर आता था, लेकिन ये डायना सीरीज में कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही अनोखा बदलाव किया है। पहले वाटर सेपरेटर और जो डीजल फिल्टर थे वो अलग रहते थे, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको 750 घंटे चलने वाला यहाँ पे कॉम्बो डीजल फिल्टर देखने को मिलेगा। 750 घंटे चलता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म। आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसका प्लेटफॉर्म आपको वही पुराने ट्रैक्टर जैसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। बीच में छोटा सा 1-2 इंच का आपको बम्प देखने को मिलेगा। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया, लेकिन उससे कोई परेशानी यहाँ पे ड्राइवर को नहीं होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर का डैशबोर्ड, पहले का जो डैशबोर्ड था वो अपने को बहुत ही छोटे साइज का यहाँ पे डैशबोर्ड कंपनी ने दिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह का इनोवेशन यहाँ पे कंपनी ने किया था। जैसे सी फर्गुसन में आपको 72-50 हुआ, मैसी फर्गुसन 80-55 हो गया, उस ट्रैक्टर का डैशबोर्ड जैसा है वही उसी तरह से बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिल जाएंगे। जब भी हम ट्रैक्टर को रोटावेटर पे चलाते हैं और रोटावेटर पे चलाने के बाद जब अपना एयर क्लीनर जाम हो जाता है तब उसका इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब मिलने के बाद हमको अपना जो ड्राई टाइप एयर क्लीनर है उसको साफ करके फिर से हम ट्रैक्टर चला सकते हैं। या सामने आपको लाइट ऑपरेट करने के लिए बटन स्विच मिल जाएगा, ये हॉर्न मिल जाएंगी, उसके बाद ये इंडिकेटर के लिए स्विच मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है स्मार्ट फीचर। मतलब जब भी हम ट्रैक्टर चालू करते हैं तब पहले पुराना ट्रैक्टर कौन से भी चाबी से, कोई भी चाबी से चालू हो जाता था, लेकिन ये स्मार्ट फीचर क्या है? आप सोचते होंगे कि कंपनी ने ये ट्रैक्टर फिर से रिलॉन्च क्यों किया, वही ट्रैक्टर वही पुराना इंजन फिर से रिलॉन्च करने की ज़रूरत क्या? तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर लॉन्च किया है ये स्मार्ट सीरीज में यहाँ पे लॉन्च किया है, और उसका जो पूरा हम अगर बात करें तो ये पूरा सिस्टम ये रहा, ये छोटे से चाबी में ये पूरा स्मार्ट फीचर है। जब हम ट्रैक्टर चालू करते हैं तब इसे हम अनलॉक करके ही ट्रैक्टर को चालू करना है। अगर हम लॉक करके अगर ट्रैक्टर को चालू करते हैं तो आपका ट्रैक्टर चालू नहीं होगा, चाहे आप कौन सी भी चाबी इस्तेमाल करो ये ट्रैक्टर आप कभी चालू नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये देखिए, जब हम ट्रैक्टर को लॉक करते हैं तब यहाँ पे इंडिकेटर का इंडिकेशन देना शुरू होता है, और जब हम चाबी को अनलॉक करते हैं तब ये आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि ट्रैक्टर अनलॉक हो गया। हम यहाँ पे ट्रैक्टर को लॉक करके अगर हम सेल्फ देते हैं तो आपका ट्रैक्टर चालू नहीं होगा, और जब हम ट्रैक्टर को अनलॉक करके सेल्फ करते हैं तो आपका ट्रैक्टर जो है वो चालू हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इस ट्रैक्टर के फायरिंग देख लीजिए, बिल्कुल ही शेर जैसा दहाड़ता है। दोस्तों जो डायना ट्रैक्टर है उस डायना सीरीज की एक खास बात है जो इसका पेटेंट बन चुका है, वो है हम इस ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है
वो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम ट्रॉली काम ढुलाई का काम करते हैं तब हम इसका व्हीलबेस बढ़ाते हैं ताकि अपना ट्रैक्टर आगे से लिफ्ट ना हो, और जब हम खेत में काम करते हैं तब इसका हम व्हीलबेस कम करते हैं, जो ट्रैक्टर है वो कम जगहों में टर्न हो जाए। बात तो सही है। तो दोस्तों, इसको सामने वाला जो एक्सल है वो नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया है, और इसका हम व्हीलबेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस डायनाट्रैक सीरीज का पैटर्न है जो आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस ट्रैक्टर की पीछे से बात करें तो वही आपको पुराने ट्रैक्टर जैसा लुक दिखने को मिलेगा। उसमें हमको टूल बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। उसके बाद ये रहा कंपनी पिटेड डाबर, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो हाइड्रोलिक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, और बहुत ही हेवी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये रही उसकी चेक चेन या ट्रॉपलिंग के जैसे एडजस्टमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो पहले वाला जो पुराना डायनाट्रैक ट्रैक्टर था उसमें हमको जो स्पूल वाल किट थी वो हमें अलग से लगानी पड़ती थी, जिसमें थोड़ा सा किसान भाइयों को खर्चा करना पड़ता था। लेकिन इस बार ये स्मार्ट सीरीज में आपको जो स्पूल वाल किट है हमको कंपनी फिटेड मिलने वाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस स्पूल वाल किट के मदद से आप रिवर्सिबल एमबी प्लाव चला सकते हैं, कोई भी हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग इम्प्लीमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और टॉपलिंग के लिए आपको 3 पॉइंट लिंकेज सेंसर यहाँ पे दिए है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर का एक और भी एक खास फीचर जो इसको और ट्रैक्टर से अलग बनाता है वो है उसका क्वाड्रा पीटीओ। ये आपको यहाँ पे 4 मल्टीपल ऑप्शन में मिल जाएगा, LPTO, GSPTO, MSPTO, इसी को कहते हैं क्वाड्रा पीटीओ। क्वाड्रा मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन, यहाँ पे आपको बहुत ही ऑप्शन मिलेंगे। गेयर बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाई, लो, मीडियम और 1, 2, 3, 4, वैसे आपको, और ये रहा आपका सुपर सेटल गियर। मतलब इसका मतलब समझे किसान भाइयों, नहीं आपको मिलने वाले है 12 गियर फॉरवर्ड के लिए और 12 गियर रिवर्स के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा 24 गियर बॉक्स वाला ट्रैक्टर ये आपको देखने को मिलेगा। जो है इस ट्रैक्टर में बहुत ही खास बात जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और कोई भी ट्रैक्टर यहाँ पे आपको नहीं देता है। अभी मजा आएगा ना। कंपनी ने यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया है, प्लस 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये रहा, जब हम स्पूल वाल किट का यूज करते हैं तब हम इस गियर लीवर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, हम यहाँ से एमबी प्लाव ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपको कौन सा वाला डायना पसंद आया। ये रहा आपका पुराना वाला 246 डायना ट्रैक, या नया वाला ये स्मार्ट डायना जो आपको कंपनी ने बिल्कुल नया अंदाज में आ दिया है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसी ही गजब की जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर हर बार लेके आएंगे। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।